हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ब्रिस्केट के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि यहां पर ये जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है इसके हम 3D डायमेंशन कैसे शो करेंगे, वो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपने ये सॉफ्टवेयर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो और साथ में परचेज भी कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं आज ये 3D डायमेंशन शो करना। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होगे ये जो डायमेंशन हमारी, ये 3D डायमेंशन हमारी। तो जैसे मैं यहाँ पर नॉर्मल जो हमारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर ये डायमेंशन शो करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर लीनियर डायमेंशन लेता हूँ, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट मैं जैसे यहाँ पर ये दे देता हूँ, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये दे देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये हमारी डायमेंशन शो नहीं हो रही है जो हमें यहाँ पर इस तरह से शो करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास एक कमांड होती है UCS की, UCS एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम फेस सेलेक्ट करेंगे और जिस भी फेस की हमें यहाँ पर डायमेंशन शो करनी है सबसे पहले हम उस फेस को सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉप फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, टॉप फेस सेलेक्ट किया तो हम यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर लीनियर डायमेंशन लेता हूँ, सबसे पहले डायमेंशन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सेंटर की जो हमें यहाँ पर शो कर रखी है 20, तो यहाँ पर फर्स्ट क्लिक ये करते हैं, सेकंड क्लिक ये करते हैं और यहाँ पर ये क्लिक, तो आप देख सकते हो ये हमारी 20 की डायमेंशन आ गई। उसके बाद यहाँ पर दोबारा लीनियर डायमेंशन लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट ये लेता हूँ, सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पर ये लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ये 60 की डायमेंशन आ गई जो यहाँ पर शो कर रखी है। उसके बाद यहाँ पर जो डायमेंशन शो कर रखी है 22, ये भी मैं लीनियर डायमेंशन के थ्रू ले लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये और यहाँ पर ये क्लिक कर देंगे। ओके, अब जैसे यहाँ पर इस फेस की हमें डायमेंशन शो करनी है यहाँ पर, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा हम UCS कमांड लेंगे, UCS एंटर करेंगे, उसके बाद फेस सेलेक्ट करेंगे, फेस हम यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें जेड की डायरेक्शन हमारी इस तरफ रहनी चाहिए। अगर यहाँ पर ये जेड की डायरेक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आप यहाँ पर फ्लिप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। तो ये हमारा जो UCS आइकन है इस फेस के अकॉर्डिंग सेट हो गया। तो यहाँ पर लीनियर डायमेंशन दोबारा लेता हूँ, उसके बाद हमें फर्स्ट डायमेंशन यहाँ पर 7.5 शो करनी है जो कि है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो फर्स्ट पॉइंट ये ले लेता हूँ, सेकंड पॉइंट इसका एंड पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ। फिर दोबारा मैं यहाँ पर लीनियर डायमेंशन लेता हूँ और अब की बार यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट मैं ये दे देता हूँ, सेकेंड पॉइंट मैं यहाँ पर ये देता हूँ, तो ये डायमेंशन आ गई हमारी 12.5। अब यहाँ पर ये जो डायमेंशन है 35, ये हम दोबारा लीनियर डायमेंशन के थ्रू क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट लिया, यहाँ पर ये पॉइंट लिया और थर्ड पॉइंट जैसे मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ यहाँ तक। ओके, तो ये 35 की डायमेंशन यहाँ पर शो हो गई। अब जैसे यहाँ पर ये सब बैक साइड में आप देख रहे होगे, यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डायमेंशन शो कर रखी है 40, तो यहाँ पर UCS एंटर करेंगे दोबारा, उसके बाद फेस सेलेक्ट करेंगे, फेस हम अब की बार यहाँ पर बैक साइड का ले लेते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जेड की जो डायरेक्शन है वो फ्लिप कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर लीनियर डायमेंशन लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ, सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ और थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो 40 है ये हमारा डायमेंशन लाइन के नीचे की तरफ है और यहाँ पर ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर इस डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम टेक्स्ट पोजीशन बिलो कर देंगे और यहाँ पर इसकी पोजीशन लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट कर देंगे। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर UCS आइकन दोबारा लेते हैं, तो यहाँ पर अब फेस दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, अब की बार मैं फेस ले लेता हूँ यहाँ पर नीचे वाला और यहाँ पर इसके जेड की डायरेक्शन फ्लिप कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और अब की बार दोबारा मैं लीनियर डायमेंशन लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ और थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पर ये क्लिक, तो ये हमारी डायमेंशन ये शो हो गई। ओके, तो अब उसके बाद हम यहाँ पर ये फेस सेलेक्ट कर लेंगे, UCS एंटर करते हैं, फेस सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर राइट क्लिक, अब यहाँ पर लीनियर डायमेंशन लेता हूँ, सबसे पहले जो डायमेंशन है वो ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसका जो ये क्वाड्रेंट है ये सिलेक्ट करता हूँ, एक क्वाड्रेंट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो ये 9 है और यहाँ पर ये 6 दिखाई दे रहा है,
तो इसको सिलेक्ट करेंगे हम, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे डायमेंशन को। उसके बाद जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पर बिलो करेंगे और यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट कर देंगे, ओके। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पर लीनियर डायमेंशन लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ सेंटर, सेकंड पॉइंट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये डायमेंशन सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये बिलो कर देता हूँ और यहाँ पर राइट टू लेफ्ट, और फिर यहाँ पर लीनियर डायमेंशन दोबारा फर्स्ट पॉइंट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेकंड पॉइंट ये एंड पॉइंट और यहाँ पर ये क्लिक, तो ये हमारी डायमेंशन यहाँ पर शो होगी। उसके अलावा मैं यहाँ पर एक रेडियस और लेता हूँ यहाँ पर इस एज की, और यहाँ पर इसको मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ ये डायमेंशन बचती है हमारी, तो इसके लिए UCS एंटर करेंगे, फेस एंटर करेंगे, यहाँ पर ये फेस सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लीनियर डायमेंशन लेंगे, इसका जो मिड पॉइंट है वो सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे की तरफ भी मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये क्लिक कर देंगे, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर 3D डायमेंशन शो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ढेर सारी नई वीडियोज़ लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच, डोंट वेरी बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर, टाटा बाय, थैंक यू।